कबूतर लेने के लिए आए थे लेकिन कबूतर वाला अभी ना मौजूद ही नहीं है। जी दोस्तों, जाली हमने फाइनलाइज कर ली है, अभी कौन सी जाली हमारे केजिस में लगेगी ये देखिए दोस्तों। ये हमारे मुर्गे, दूसरे को भी पकड़ के मैं आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सब भाई ठीक हो गए। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपका भाई मलिक महबूब। हमारा कल बस मौसम की वजह से काम शुरू नहीं हो सका, हम बाजार भी जा रहे थे लेकिन बारिश आ गई थी। दोस्तों ये देख रहे हैं कि हमारा सारा सामान वैसे जैसे हमने कर रखा था वैसे ही पड़ा है, उसमें बारिश आ गई थी इसलिए काम नहीं कर सके हम। ये देख रहे होंगे आप कि इस पर भी सारा जंग लग चुका है, अब बारिश की वजह से ये देखें सारा जंग लगा हुआ है, ठीक है ना। और अपना आप देख रहे हैं कि वेल्डर का भी इंतज़ार कर रहे हैं। मौसम तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन काम का थोड़ा सा मसला जा रहा है। इसलिए हमारे वेल्डर भी पहुंच चुके हुए हैं, ये देख रहे हैं उन्हें आते हुए, आप देख रहे हैं वेल्डर भी आ गए हैं। कहाँ रह गए थे वेल्डर भैया? बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो गया थे। इतना लेट होते हैं, टाइम देखा आपने? क्या करें, रास्ते खराब हैं, बारिश की वजह से सारे सामान को भी हमारे जंग लग चुका हुआ। जी वेल्डर भाई ने आगे अपना काम करना शुरू कर दिया हुआ है। महबूब भाई उनके साथ खड़ के काम की निगरानी कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ महबूब भाई काम की निगरानी किस तरह कर रहे हैं। महबूब भाई फाइनली वेल्डर भाई आ चुके हैं हमारे, उनकी बड़ी मेहरबानी है, शुक्र है। वो बारिश की वजह से वो भी लेट हो गए हैं, पूछा तो है हमने उनसे, वो कहते हैं बस बारिश हो रही थी इसलिए हम लेट हो गए हैं। ये बस कोई नहीं, काम देर से हो रहा है, कोई मसला भी नहीं है, लेकिन अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह आज बहुत जल्द हो जाएगा काम। उम्मीद है कि आज हमारे वेल्डर भाई हमारा काम केजिस का कम्प्लीट कर देंगे, दोनों में से कम एक का तो आज हमें स्ट्रक्चर तैयार करके देंगे। लेकिन अभी हमें इसके लिए जालियों की और फाइबर की शीट लेने मार्केट के लिए जाना है, अभी हम चलते हैं मार्केट की तरफ। जी दोस्तों, आप मार्केट के लिए हम लोग निकल चुके हैं, अब जाते हैं देखते हैं कि हमने जाली कहाँ से खरीदनी है और फाइबर कहाँ से खरीदनी है। मजीद हम हिंदू वाली मार्केट भी जाने की कोशिश करेंगे टाइम के हिसाब किताब को देख के। कबूतर लेने के लिए आए थे लेकिन कबूतर वाला अभी ना मौजूद ही नहीं है, पता करते हैं कबूतर वाला कहाँ गया, उसे हम ढूंढ रहे कबूतर वाला कहाँ है। फाइनली हम मार्केट पहुंच चुके हुए हैं जाली परचेज करने के लिए। आपको मेरे पीछे जालियाँ नजर आ रही होंगी, अब आप दुकानदार भाई से मिलते हैं कि हमने कौन कौन सी जाली परचेज करनी है। भाई एक जाली महबूब भाई ने सिलेक्ट की है, अब देखते हैं वो कौन सी जाली परचेज करने। आपको सामने दुकानदार भाई नजर आ रहे होंगे, जाली वगैरह वो हमारी काट रहे हैं। तो जालियों की सिलेक्शन हो रही है, महबूब भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो देख रहे हैं अभी कौन सी जाली लेनी है। जाली हम ये लेने के लिए सोच रहे हैं कि जिसको खरीदे आराम से काट कर मिले। महबूब भाई कौन सी जाली पसंद आ रही है आपको? ये पसंद आ रही है ये वाली, क्योंकि वो लेनी है जो खरीदा आराम से काट ना सके, ये सही रह जाएगी, ये वाली सही रह जाएगी। जी दोस्तों, जाली हमने फाइनलाइज कर ली है, अभी कौन सी जाली हमारी केजिस में लगेगी ये जाली आपको नजर आ रही होगी, ये वाली जाली हमने फाइनलाइज की है। आप दुकानदार पे इसको हमें पैक करके देंगे। मजीद जो रेट्स का हिसाब किताब है वो महबूब भाई अंदर बैठ के कर रहे हैं। दोस्तों हमने ये वाली जाली परचेज कर ली है अपने केजिस के लिए, क्योंकि आपको पता है परिंदे केजिस में जो जालियाँ अगर हल्की जाली लगवाते हैं वो काट लेते हैं, लेकिन पहाड़ी तोते भी हमने रखने से हमने 20 केज वाली जाली लगवाई है। मिनी जू के लिए जालियाँ फाइनली सिलेक्ट हो चुकी हुई हैं, हमने परचेज कर ली हैं जालियाँ। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी जालियाँ, ये वाली जालियाँ हमने परचेज कर ली हुई हैं सारी, इसको आप लेके चलते हैं, एक ये दो और ये तीन, ये आप जाएंगे सीधा मिनी जू की तरफ। सामान ले आ चुके हैं, आपने देखा है किस तरह वाइट कब इसे लेके आए हैं। अभी हमारे मिनी जू की छत पे देखते हैं आप क्या कर रहे हैं। वेल्डर भी इसको लगाएंगे आज के रेट पे, अगर ये फिक्स हो गया तो ठीक है, वरना फिर मजबूरी कल पे चला जाएगा ये। जैसा कि आपने पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि हम पेट्स मार्केट विजिट करने के लिए गए थे, उस पेट्स मार्केट में हमें परिंदे पसंद आए थे लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए थी उस टाइम उनके पास अवेलेबल नहीं थी। अभी उनकी पेट मार्केट से हमें कॉल आई है कि अभी जो परिंदे हमें चाहिए थे उन्होंने मंगवा लिया, क्योंकि हम ऑर्डर दे के आए थे। अब चलते हैं पेट मार्केट, जो चीज़ें हमें चाहिए हम लेके आते हैं। जी दोस्तों, हम अपने सामान वगैरह लेने के लिए पहुंच चुके हुए हैं। ये भाई हैं जिससे हम सामान परचेज करने लगे हैं, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हैं सब? अच्छे ठीक है, सामान हमारा पीछे पड़ा हुआ है, ये अब यहाँ से ले जाके मिनी जू में जाके इसकी हम ओपनिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे भी आज के रेट में हमने कौन कौन से बर्ड्स परचेज किए। जी दोस्तों, फाइनली हम अपने मिनी जू पे पहुंच चुके हुए हैं, हम अपने बर्ड्स ले आ चुके हुए हैं, अब आपको दिखाते हैं कि हमने आज की डेट में क्या क्या चीज़ परचेज की है। फाइनली तोते आ चुके हुए हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारे तोते हैं, ये देख रहे हैं। ग्रीन पैरेट्स भी आपको नजर आ रहे होंगे और कॉकटेल भी आपको नजर आ रहे होंगे, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं, आप इनकी हरकतें नोट कर रहे होंगे, आपस में खेल रहे हैं। दूर से इनको लेके आए हुए हैं,
अभी हम इनको मजीद बड़े केज में डालेंगे। अब आपको फाइनली मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इन दो बोरों के अंदर क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले खोलते हैं ये वाला, इसके अंदर क्या है। अरे आराम से खोल रहा हूँ, पता है बड़ी दूर से मुझे लेके आए। खोल रहा हूँ आराम से। बिस्मिल्ला ये जी। चलो इसको दोस्तों बाद में पकड़ते हैं, पहले इसको इस वाले को देखते हैं। ये बड़ा शरीक महसूस हो रहा है, आराम से बैठा हो। ये देखें दोस्तों, ये हमारे मुर्गे, दूसरे को भी पकड़ के मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं ये हमारे मुर्गे, ये देखें। तो आज का मेन सरप्राइज, जो आज की रेट में हम तो सबसे बड़ी चीज लाए हैं, वो आपको दिखाने जा रहे हैं जो इस बोरे के अंदर है। इसको करते हैं अनबॉक्स बिस्मिल्लाह के नाम से शुरू करके। ये अब इसको खोलते हैं, ये बड़ा सख्त पैक हुआ है। ये जी चले, ये ओपनिंग हो रही है। ये फाइनली दोस्तों इसको मैंने अब खोल लिया है। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है। चलो बेटा चलो भाई, ये हमारी पहली डक, ये देखें। ये दूसरी और ये माशाल्लाह तीसरी। आज की रेट में दोस्तों हमने ये चीजें परचेज की है। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत डक्स है हमारी। अब इनके साथ छोड़ देते हैं। आपने हमारे आज के परिंदे सारे देख लिए, डक्स भी, मुर्गे भी और तोते भी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं। और दूसरा हमारे केजिस का काम अभी तक ख़त्म होने को नहीं आ रहा, केजिस का काम हमारा अभी तक जारी है। ये देख रहे हैं वेल्डर भी अभी तक बैठे हुए हैं कि हमारी बतखें, हमारे तोते और हमारे मुर्गे छत पर अभी फिर रहे हैं। मज़ीद इंशाल्लाह व्लॉग का करते हैं बैंड, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है न्यू व्लॉग में। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।